दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। त्योहारों के सीजन में दालों के दाम बढ़ गए हैं। अरहर दाल के दाम में पिछले एक हफ्ते में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उड़द दाल और खाद्य तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दाल की कीमतों पर असर थोक और खुदरा बाजार पर देखने को मिल रहा है। उत्पादन घटने को दाल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बताया जा रहा है। पिछले 8 दिनों में अरहर दाल के भाव में 4 से 5 रुपए का इजाफा हुआ। फिलहाल तुअर दाल का थोक बाजार भाव 110 रुपए प्रति किलो है। खुदरा बाजार में अरहर दाल की कीमत 125 से 130 रुपए प्रति किलो हो गई है। फिलहाल उड़द दाल 97 से 100 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिल रही थी, लेकिन दिवाली से ठीक पहले उड़द दाल की कीमत अब 105 रुपए से 110 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं बढ़ी हुई दरों का आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। एक तरफ रुपए की कीमत भी गिर गई है, साथ ही खाद्य तेल की कीमतों में भी तेजी की आशंका है। खाद्य तेल 3 से 5 रुपए महंगा हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि इसमें और इजाफा होगा। एक तरफ पहले से ही CNG और PNG रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है, वहीं अब खाद्य सामग्री भी लगातार महंगी हो रही है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए। एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।